हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्रेडिशनल राजस्थानी मालपुआ रेसिपी, जिसे हम तीज त्योहारों के साथ साथ सावन सोमवार व्रत में भी इजीली खा सकते हैं। और आज हम इसे बनाएंगे इंस्टेंट बिना किसी मेहनत। वैसे इसे रबड़ी या खोए से बनाया जाता है, लेकिन आज हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। आइए देखते हैं मैंने इसको बनाने के लिए क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल में लिया है 1 कप मैदा और 1 कप मिल्क पाउडर। हमें किसी भी कप या कटोरी से इसे ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ 2 से 3 टेबल स्पून इसमें सूजी ऐड की है। सूजी ऐड करने से बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और अब मैं यहाँ 1 कप दूध की हेल्प से इसका एक बैटर बनाऊंगी और अच्छी तरह से इसे हम घोल लेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और एक इसका स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। हमें बैटर बिल्कुल पकौड़े की तरह ही फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का रखना है। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ, मोटी सौंफ जो फीकी वाली सौंफ आती है, और इसमें आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सभी को मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड रख देंगे, और जब तक हम अपना शुगर सिरप या चाशनी तैयार करते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप शुगर और 1 कप ही पानी। इन दोनों को मिक्स करके हम 5 से 10 मिनट तक उबलने देंगे। और अब इसमें मैं डालूँगी 2-3 इलायची क्रश करके और थोड़ा सा फूड कलर, आप चाहें तो इसमें केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे 5 से 10 मिनट तक उबलने देना है, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, और चाशनी इसकी चिपचिपी होनी चाहिए। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चिपचिपा सा लिक्विड सिरप तैयार करना है, जैसा कि आप गुलाब जामुन वगैरह के लिए तैयार करती हैं। अब मैंने यहाँ पे कलर और इलायची को ऐड कर दिया है और इसे 5 से 10 मिनट ही लगेंगे और ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। आप पूरे मेजरमेंट के साथ मेरी बताई हुई टिप्स के साथ इसे बनाएंगे तो आपका भी मालपुआ बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है और इसमें मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है। देसी घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा तेज आँच पे इसे नहीं बनाना है, हमें फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है। इसके बाद हम एक करछी की हेल्प
आपको मेरी इजी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।